हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मनु कौशल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने लगा हूँ फ्रॉम द चैप्टर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एंड द रिएक्शन इज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स। देखिए, अमोनिया डेरिवेटिव्स जो हैं वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं, तो वो डिस्कस करने लगा हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स। सो इट्स एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स बाय डॉक्टर मनु कौशल। देखिए, अमोनिया जो है, दिस मॉलिक्यूल, दिस इज अमोनिया। अब अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पे रेस्ट कर रहा है और तीन हाइड्रोजन एटम्स हैं। अगर अमोनिया में से एक हाइड्रोजन एटम हटाकर इसकी जगह रादर मैं NHCONH2 लिख दूं, NHCONH2, सो दिस एंटायर मॉलिक्यूल, दिस इज टर्म्ड एज सेमी कार्बाजाइड। सो सेमी कार्बाजाइड क्या हुआ? अमोनिया का डेरिवेटिव है जी, अमोनिया से डिराइव हुआ है। हाइड्रोजन हटाकर ये पूरा ग्रुप लगा दिया है, सो सेमी कार्बाजाइड बन गया है। नाउ रिमेंबर वन थिंग, सेमी कार्बाजाइड इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, डेफिनेटली इट्स अ न्यूक्लियोफाइल, पर इस नाइट्रोजन का लोन पेयर और इस नाइट्रोजन का लोन पेयर, दोनों लोन पेयर दे आर इन कॉन्जुगेशन विद दिस कार्बोनल पाई बॉन्ड। सो दिस दीज लोन पेयर दे आर डीलोकलाइज्ड, एंड ये उतने न्यूक्लियोफिलिक नहीं है नाइट्रोजन एटम्स जितना ये वाला नाइट्रोजन एटम न्यूक्लियोफिलिक है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज नहीं है, रादर लोकलाइज है, जहां पड़ा है वहीं पर पड़ा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स नाउ and know some important points about this reaction. Now this reaction occurs under optimum acidic conditions. ये reaction optimum acidic condition में होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि जो सेमी कार्बाजाइड है, it is not a very very strong nucleophile, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन के लोन पेयर, ये लोन पेयर दोनों इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, सो नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसलिए ये कोई बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। केवल एक ही नाइट्रोजन ऐसा है जिसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड नहीं है, रादर लोकलाइज्ड है। सो अगर रिएक्शन करना है तो इसके लिए ऑप्टिमम एसिडिक कंडीशंस चाहिए होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स लाइक हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन जो है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसमें अल्फा इफेक्ट होता है। देखिए, एडजेसेंट एटम्स पर लोन पेयर पड़े हैं हाइड्रोजीन में, तो इनमें लोन पेयर में रिपल्शंस हैं, तो ये किसी भी पॉजिटिव चार्ज पर रफ्तार से अटैक करता है, तो हाइड्रोजन इज नॉट अ वीक न्यूक्लियोफाइल, इट्स अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। सो दीज न्यूक्लियोफाइल्स कैन रिएक्ट इवन इन द एब्सेंस ऑफ एसिडिक पीएच। ये एल्डिहाइड्स या कीटोन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं एसिडिक पीएच के बिना भी। नाउ ये रहा रिएक्शन, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड के साथ किया है ऑप्टिमम एसिडिक कंडीशन में। अब ये बार बार मैं शब्द ऑप्टिमम क्यों यूज कर रहा हूं ये भी आपको समझाऊंगा। देखिए, अगर इस रिएक्शन को सिर्फ याद करने का तरीका देखना है, समझना है, रट्टा लगाने का तरीका, तो आप ये देखिए कि यहां से सिंपली वाटर रिमूव कर दीजिए, पानी रिमूव कर दीजिए, और उसके बाद बाकी सारा मॉलिक्यूल जोड़ दीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, NHCONH2, सो यू विल एंड अप गेटिंग इथेनल सेमी कार्बाजोन। दिस वॉज इथेनल सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन हुआ, एंड यू एंड अप गेटिंग इथेनल सेमी कार्बाजोन। एसिडिक कंडीशन में ये रिएक्शन हुआ है। अब जानते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। नाउ ये रहा इथेनल, दिस इज CH3CHO, दिस इज इथेनल। ये जो H पॉजिटिव आयन है फ्रॉम एसिडिक मीडियम, दिस अटैक्स एट दिस लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, ये इसको प्रोटोनेट करेगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन इन टर्न यहां से पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे जोर लगाकर खींचेगा, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ दिस कार्बन इज इंक्रीज्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेमी कार्बाजाइड में ये दोनों नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं ये डीलोकलाइज हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस, तो इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो लोकलाइज है, सो दिस इज द मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक एटम इन दिस एंटायर मॉलिक्यूल। तो जब भी ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, इस नाइट्रोजन से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, इस नाइट्रोजन से न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, एंड एज यू नो दैट एल्डिहाइड्स दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के बाद अब ये जो बॉन्ड बना, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो यूज हुए नाइट्रोजन के यूज हुए, सो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ रहा, एक उससे दूर चला गया, तो नाइट्रोजन इज बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टैटिक नहीं रहेगा, यहां से डी प्रोटोनेशन आकर्स एंड वी एंड अप गेटिंग दिस मॉलिक्यूल। अब ये जो मॉलिक्यूल बना है ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का प्रोडक्ट है। लेट मी रिमाइंड यू कि अभी सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है, एलिमिनेशन इज येट टू अकर, एलिमिनेशन अभी नहीं हुआ है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है। नेक्स्ट, अब हम जानते हैं कि मीडियम एसिडिक है,
So H positive ion, this attack at this lone pair of oxygen. इस लोन पेयर में अटैक होगा और ऑक्सीजन बेयर्स पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये जो बॉन्ड बना एच पॉजिटिव और ऑक्सीजन में ये जो बॉन्ड बना है इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं, एक उसकी तरफ रहा है कि उससे दूर चला गया है, तो एच पॉजिटिव का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया है, रादर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब जिस मोमेंट पे यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा दिस विल लीव एज अ गुड लिविंग ग्रुप। वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। देखिए ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टैटिक रखेगा नहीं और वाटर यहां से लीव कर जाएगा, तो जैसे ही इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि वाटर यहां से लीव करेगा, जैसे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा यहां से डीप्रोटोनेशन होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा और इस लोकेशन पर पाई बॉन्ड बनेगा, सो विल एंड अप गेटिंग CH3CH डबल बॉन्ड N NHCONH2। नाउ दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन। ये हमें फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन का मिल गया। सो पहले हुआ था इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ वाटर हुआ है। सो दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ एडिशन एलिमिनेशन। नाउ दिस इज हाउ दिस रिएक्शन अकर्स। अब आप इस चीज पे ध्यान दीजिए कि बार बार मैं बोलता रिएक्शन के दौरान मैंने बार बार बोला कि रिएक्शन अकर्स अंडर ऑप्टिमम एसिडिक कंडीशंस। नाउ व्हाई अंडर ऑप्टिमम एसिडिक कंडीशंस? व्हाई, क्यों, व्हाई नॉट हाईली एसिडिक कंडीशंस? देखिए अगर हाईली एसिडिक कंडीशंस होंगी तो जो एच पॉजिटिव आयंस हैं उनकी कंसेंट्रेशन होगी बहुत ज्यादा, वो एल्डिहाइड पर तो अटैक करेंगे करेंगे, वो इन लोन पेयर्स पर भी अटैक कर देंगे और इन सभी लोन पेयर्स पर अगर अटैक हो गया सो सेमी कार्बाजाइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी विल बी लॉस्ट, दिस विल नॉट बी एबल टू एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एनी मोर। एच पॉजिटिव आयंस की अगर कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, आई रिपीट, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि रिएक्शन ऑप्टिमम एसिडिक कंडीशंस में होगा, क्योंकि अगर एसिडिक कंडीशन ज्यादा सिवियर हुए, एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा हुई, तो एच पॉजिटिव आयन यहां 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 हर लोन पेयर पे अटैक करेंगे और फिर ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने लायक नहीं रहेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई ऑप्टिमम एसिडिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। एंड हाइड्रोजीन के साथ या हाइड्रोक्सिलमीन के साथ तो वो एसिडिक कंडीशंस की भी डायर नीड नहीं रहती। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो रिएक्शन मैंने आपको समझाया, होप ये रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। एंड मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट मिल रही हैं बहुत सारे मैकेनिज्म रिएक्शंस के लिए, सो फ्रेंड्स आई नीड टाइम फॉर दैट, आई एम बिजी विद माई क्लासेज ऑल्सो, सो मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट पे ध्यान दूंगा। एंड कीप सपोर्टिंग मी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स वेरी मच, थैंक्स फॉर बींग विद मी, टेक केयर, बाय बाय।